तो आई गेस दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं पुराने टाइम में वीडियो एडिटिंग कैसे हुआ करती थी या फिर मूवीज़ की एडिटिंग कैसे हुआ करती थी। 90s में, 80s में, 70s में, 60s में कंप्यूटर इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ करते थे, और इंडिया में तो बिल्कुल भी हुआ ही नहीं करते थे। मतलब होते थे बट इतने ज़्यादा नहीं हुआ करते थे कि वीडियो एडिटिंग के लिए उसको या फिर मूवी एडिटिंग के लिए यूज़ करे जाए। आजकल के ज़माने में क्या है, मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, हो सकता है आप भी एडिटिंग करते हो, और हम में से बहुत सारे लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं, और उस ज़माने के हिसाब से हो सकता है हम अच्छी भी करते हों, क्योंकि हमारे पास बहुत इजी टू यूज़ सॉफ्टवेयर हैं जिसको हम आसानी से सीख के बहुत सारी वीडियो एडिट कर सकते हैं। बट याद रखना, आज भी हम आम लोग VFX नहीं ऐड कर सकते, बट नॉर्मल एडिटिंग हम लोग कर सकते हैं। लेकिन पुराने टाइम में कितना मुश्किल हुआ करता था विदाउट कंप्यूटर एडिटिंग करना, और उसमें साउंड वगैरह कैसे जाती थी, और उसकी जो प्रोडक्शन होती थी वो कैसे हुआ करती थी, जो VFX वगैरह लगते थे, VFX वैसे ज़्यादा होते नहीं थे बट जो होते थे वो कैसे होते थे, इस वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं चीज़ों के बारे में। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो पूरी देखना और बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें कि 1960s में, 1970s में वीडियो एडिटिंग या फिर मूवी एडिटिंग कैसे हुआ करती थी, तो उस ज़माने में YouTube वगैरह कुछ नहीं हुआ करता था, तो हम जैसे आम लोग उस ज़माने में वीडियो एडिटिंग नहीं कर सकते थे। मतलब हम नहीं जाएंगे उस ज़माने में, हमारे जैसे जो बंदे होते थे वो नॉर्मल बंदे एडिटिंग कर ही नहीं सकते थे। और उस ज़माने में जो एडिटिंग की जाती थी वो की जाती थी रील्स से। उस वक्त जो है मोशन कैमरा यूज़ करते थे जिसके अंदर से रील निकलती थी। आजकल भी बहुत लोगों के पास वो कैमरा है जिसमें से रील्स निकलती हैं, और जो साउंड होती थी वो रिकॉर्ड करी जाती थी मैग्नेटिक टेप से। अब जो टेप रिकॉर्डर होता है, मैं उन टेप्स की बात कर रहा हूँ, वो सेलो टेप वगैरह वाली बात नहीं कर रहा मैं, जो मैग्नेटिक टेप्स होती थी उससे हमारी साउंड रिकॉर्ड हुआ करती थी, और जो रील्स हैं उसके वजह से हमें एक्सपोर्टिंग मिलती थी। मतलब अगर आपको कैमरा से एक्सपोर्ट करना है तो हमें वो एक फिज़िकल रील में मिलती थी। आजकल तो हम जो है डिजिटली उसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं अपने मोबाइल कैमरा या फिर अपने ऑफिशियल कैमरा से, हम उसको एक्सपोर्ट करके अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में रख लेते हैं जिससे वो डिजिटली स्टोर हो जाती है। बट उस टाइम पे आपको फिज़िकली रखनी पड़ती थी वो, और बहुत ज़्यादा बचा के रखनी पड़ती थी। और अगर उस वक्त कोई छोटा मोटा सीन कट करना हो तो वो करा जाता था, हमें उस पहले उसको काटना पड़ता था, फिर उसको जोड़ना पड़ता था, जो हमारी काफ़ी सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हुआ करती थी जिससे वो जुड़ता था। मुझे नाम याद नहीं है बट मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा क्या उसका नाम होता था। तो उसकी वजह से वो सीरीज को जोड़ते थे और तब जाके वो एक सीन कट होता था। अब उसके अंदर हमें जो रील होती है उसके अंदर हमें काफ़ी सारे फ्रेम्स देखने को मिलते हैं, हमें मिनट के हिसाब से नहीं रील्स देखने को मिलती, उसमें हमें फ्रेम्स के हिसाब से रील देखने को मिलती है। और 1 सेकेंड की वीडियो अगर आपको एडिट करनी है तो उसमें मेरे ख्याल में कम से कम आधे से पौना घंटा आराम से लग जाता होगा, क्योंकि उसको पहले काटो, फिर जो मशीन है उसके अंदर डालो, फिर वो बाहर निकलेगी। उसके बाद भी अगर आपको VFX वगैरह लगाना है, VFX उस टाइम पे नहीं हुआ करते थे, उस टाइम पे आप थैनोस वगैरह नहीं बना सकते थे, बट हाँ छोटे मोटे जो इफ़ेक्ट्स होते थे, इफ़ेक्ट्स मान लो आप, वो कैसे कर जाते थे वो मैं आपको बता देता हूँ। एक आर्टिस्ट रखा जाता था जो कि उस रील पे ड्रॉ करता था, और जो 1 सेकंड की वीडियो होती है उसमें 30 फ्रेम्स होते हैं, तो सेम ड्राइंग सेम ही पोजीशन पे उसको 30 फ्रेम पे ड्रॉ करनी पड़ती थी। अब आप सोचो कितना मुश्किल काम होता होगा। आजकल हमें कोई टेक्स्ट लेयर ऐड करनी है, हम 1 सेकंड लगाते हैं वो टेक्स्ट लेयर ऐड हो जाती है, बट उस टाइम पे आपको खुद ड्रॉ करना पड़ता था, उसके बाद जाकर वो निकलते थे। और उस ज़माने में अगर आपको कोई एनिमेशन वीडियो बनानी है, अगर आपने पुराने ज़माने की वीडियो देखी होगी, जो क्रेडिट्स होते हैं जो स्टार्टिंग में चलते हैं वो हैंडमेड ड्राइंग से बनाए जाते हैं। अब आप सोचो कि जो एनिमेशन होती है वो कितनी मुश्किल होती होगी बनाने में। और यही एक कारण है कि पुरानी मूवीज़ में एक मूवी बनाने में 5 से 8 साल आराम से लग जाते थे। एक मूवी बनाने में पहले उसकी शूटिंग होगी, और शूटिंग करने में पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा टाइम लगता होगा। दूसरी एडिटिंग, एडिटिंग उस टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ करती थी, उसको टेप के साथ से सेटिंग करना, जो हमारी मैग्नेटिक टेप है जिसमें हमारी साउंड है उसके साथ से मैनेज करना, उसको काटना, ये बहुत ज़्यादा झंझट वाला काम था। और जो मैग्नेटिक टेप्स थी उसमें जो रील होती है वो भी ऐसी काटनी पड़ती थी, साथ में उसको काटनी पड़ती थी, तो ये जो चीज़ थी बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ करती थी, और इसी वजह से 5 से 8 साल एक मूवी को बनाने में लगते थे। लेकिन आजकल क्या है, मैं हूँ, मैं ये अभी शूट कर रहा हूँ वीडियो, 2 घंटे बाद मुझे पता है मैं अपलोड कर दूंगा इसको,
तो और यही वीडियो अगर मैं बैक बिना कंप्यूटर के करूं तो ये मेरे को कम से कम इसको 1 से 2 महीना लगेगा मेरे को वीडियो एडिट करने में, अगर मैं ज़्यादा कट्स लूँ तो। वैसे मैं लेता नहीं हूँ, बट अगर मैं लूँ तो। और अब हम बात करते हैं जो आग वगैरह वाले सीन होते थे या फिर जो स्टंट्स होते थे वो पुरानी मूवी में कैसे किया जाता। तो आजकल जो स्टंट वगैरह करने होते हैं वो VFX की मदद से हम कर सकते हैं, जैसे कोई प्लेन से कूद रहा है इधर उधर। तो पुरानी मूवी में ज़्यादातर ये स्टंट्स नहीं हुआ करते थे, बट जो हुआ करते थे बाइक वगैरह वाले वो मैनुअली करने पड़ते थे, आपको खुद ही करने पड़ते थे। कोई घर में आग लगानी है वो भी खुद ही करना पड़ता था, कहीं पानी में आपको डूबने वाली एक्टिंग करनी है, ज़्यादा गहरा पानी है, वो भी खुद एक्टर को ही करना पड़ता था। और यही एक कारण है कि पुराने मूवी के एक्टर्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते थे। और आजकल तो आपको पता ही है बॉलीवुड में क्या सीन चल रहा है, वो हम कभी और बात करेंगे या फिर नहीं करेंगे, उसके बारे में बात करना चाहूँगा नहीं मैं वैसे। बट पुरानी मूवी के एक्टर इसी वजह से बहुत ज़्यादा मेहनती हुआ करते थे, क्योंकि उनको पहले 1-2 साल शूटिंग में लगते थे और दूसरी बात ये सारे स्टंट वगैरह उनको मैनुअली करने पड़ते थे। और एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि 2020 में एडिटिंग करना बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है, आप अपने फ़ोन से भी एडिटिंग कर सकते हो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर जैसे कि काइनमास्टर, लैपटॉप PC से भी कर सकते हो, जैसे एग्जांपल प्रीमियर प्रो, फिल्मोरा, बहुत सारे ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिससे आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। और पुराने टाइम में हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ करती थी। और अब हम बात करते हैं कि जो हमारा 90s का शो था शक्तिमान, आपने सबने देखा ही होगा, वो उस वक्त वो एक पहला ऐसा शो था इंडिया में जिसमें बहुत ज़्यादा VFX का काम किया गया हो। अब एक बात ध्यान से सुनना, अगर आपके पास एक कोई लैपटॉप हो जिसमें i3 प्रोसेसर हो, ग्राफिक कार्ड हो ही ना उसमें, उसमें आप कभी एडिटिंग करके देखना बहुत ज़्यादा लैग होगी, या फिर पेंटियम प्रोसेसर हो उसमें करके देखना बहुत लैग होगी और एक्सपोर्टिंग टाइम भी वो बहुत ज़्यादा लेगी। अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो तो मेरी आप बात समझ रहे होगे, बट उस टाइम एक बार आप सोच के देखो कि कंप्यूटर इतने लो प्रोसेसर के साथ आते थे और उसके बाद भी उसमें एडिटिंग करी जाती थी, वो भी इतने बड़े बड़े VFX, शक्तिमान उड़ रहा है, वो शक्तिमान वाले इफेक्ट्स जो आजकल हमें न्यूज़ में भी देखने को मिलते हैं वो कैसे करे जाते थे, अब एक बार आप सोच के देखो कितने मुश्किल हुआ करते थे। आजकल तो बस हमने लेयर ऐड करनी है, वो इफेक्ट लग गया। तो अगर कंपैरिजन करें दोनों का तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था पुराने टाइम में वीडियो एडिटिंग करना, और बहुत गिने चुने लोग ही वीडियो एडिटिंग कर सकते थे और वो भी साइंटिस्ट से कम नहीं माने जाते थे। और आजकल मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि कोई भी एडिटिंग कर सकता है, चाहे वो फोटो एडिटिंग की बात हो चाहे वो वीडियो एडिटिंग की बात हो। वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाती है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करके जाना यार, आप लोग लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना है वो आपकी मर्ज़ी है, कर सकते हो तो ज़्यादा बढ़िया बात है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में नेटअप के साथ में, तब तक के लिए बाय।